हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश चॉकलेट केक बनाने जा रहे हैं, जिसे हम मिल्क मेड से बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो इस प्रकार से है। एक कप ऑल पर्पज फ्लावर मैदा है, 1/3 कप पाउडर शुगर है, 1/2 कप ऑयल लिया है हमने, एडिबल ऑयल, 1/2 कप हमने मिल्क मेड लिया है, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है। और इसके लिए 1/2 कप हम पानी लेंगे, जिसे हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं इग्लिस चॉकलेट केक। आइए फ्रेंड्स, केक का बैटर बनाना शुरू करते हैं। ये 1/2 कप हमने एडिबल ऑयल लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। ये जितना मेजरमेंट है उसी कप में मैंने उसे लिया है। 1/3 कप हमने पाउडर शुगर लिए है, ये भी इसमें ऐड कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून हमने कोको पाउडर लिए है, ये भी इसमें ऐड कर लेते हैं। और 1/2 कप हमने मिल्क मेड लिया है, ये भी इसमें ऐड कर लेते हैं। सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अभी इसमें हम ये 1/2 कप हमने पानी को गर्म कर लिया है, हल्का सा गर्म किया है, तो इसमें ऐड कर देंगे। अभी हम इलेक्ट्रिक बीटर से इसे बीट कर लेंगे। हमने बीट कर लिया है, इसमें मैदा ऐड करेंगे। ये 1 कप हमने मैदा लिया है ऑल पर्पज का, 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून हमने बेकिंग सोडा लिया है। इनको हम ऐड कर लेते हैं, इसे अच्छे से छानने से छान लेंगे। हमने छान लिया है, तो मैदे को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे से इसे हमें इसमें मिक्स करना है। देखिए फ्रेंड्स, अभी वापस से हम इसे बीटर से बीट करेंगे। हमारा बैटर अच्छे से बनके तैयार हो चुका है। ये जिसमें हमें केक बनाना है, इस बर्तन को हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से, बटर से, घी से भी आप इसे ग्रीसिंग कर सकते हो। इसमें हम थोड़ा सा कोको पाउडर डाल लेंगे, नीचे इसे लाइनिंग कर लेंगे। बैटर को हम बर्तन में डाल लेते हैं बेक करने के लिए। बैटर को हमने बर्तन में डाल लिया है, इसे हम थोड़ा सा टैप करेंगे। 10 मिनट के लिए हमने बर्तन को प्री हीट करके लिया है। ये बर्तन हम इसके अंदर रखेंगे। अभी 30 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो पे ही रखना है। केक को बेक होने को रख के 1/2 घंटा हो चुका है। अभी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक कितना अच्छे से फूल चुका है। मैं इसे स्टिक डाल के चेक करती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हो पूरी अच्छी तरह से बाहर निकली है। और एक जगह पे मैं डाल के देखती हूँ, ये देखिए, तो हमारा केक अच्छी तरह से बन चुका है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा केक कितना अच्छा और स्पॉन्जी बना है। मैं आपको थोड़ा सा पीस इसमें से निकाल के काट के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं नज़दीक से आपको दिखाना चाहती हूँ।
ये देखिए आप, ये कितना स्पॉन्जी है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारा केक बहुत ही अच्छा बना है और ये अंदर से मॉइस्ट भी है। ये हमारी चॉकलेट केक की रेसिपी बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।